हेलो एवरीबडी हैप्पी मोमेंट टू ऑल ऑफ यू टुडे टुडेज टॉपिक इज़ कंट्यूजन ब्रूइस ये टॉपिक अक्सर टेन मार्क्स के लिए पूछा जाता है सेकेंड ईयर में एंड इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक सो लेट्स गेट स्टार्टेड कंट्यूजन इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रूइस डेफिनेशन क्या है कंट्यूजन की कंट्यूजन इज डिफाइंड एज एन इंजुरी प्रेजेंट सब क्यूटेनियसली और अंडर द म्यूकस मेम्ब्रेन, सबक्यूटेनियसली मीन्स अंडर द स्किन और अंडर द म्यूकस मेम्ब्रेन, विथ इपिथेलियम बींग इंटैक्ट एंड इस कॉज्ड बाय द इम्पैक्ट ऑफ हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट लीडिंग टू रप्चर ऑफ कैपिलरीज सबक्यूटेनियसली एंड डेयर फॉर ऑफ ब्लड इसमें एक्चुअली होता क्या है जो सबक्यूटेनियसली ब्लड ब्लड कैपिलरीज होते हैं तो वो उनका रप्चर हो जाता है पर जो ऊपर का जो स्किन होती है वो इंटैक्ट रहती है मतलब एब्रेशन के केस में खरोच वगैरह ऊपर वो इंटैक्ट नहीं रहती डिसकंटिन्यूटी इन द एनाटोमी ऑफ इपिथेलियम बट इन द केस ऑफ ब्रूइस देर इज कंटिन्यूटी ऑफ स्किन ओके एंड देर इज रप्चर ऑफ कैपिलरी सब क्यूटेनियसली अ कंट्यूजन में बी प्रेजेंट ऑन द एक्सटर्नल सर्फेस ऑफ बॉडी और ऑन द इंटरनल विसरा इंटरनल जो ऑर्गन्स रहते हैं हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स उन वहाँ पे भी हमारा कंट्यूशन दिख सकता है मतलब वो अगर इंटरनल विसरा में कंट्यूशन हुआ तो बाहर से नहीं दिखेगा एंड कैन बी कॉज इन वन ऑफ द फॉलोइंग फेज ब्लो फॉल हीटिंग हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट प्रेशर एंड कंप्रेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स वायलेंट मस्क्यूलर एक्टिविटी एग्जाम्पल कन्वर्जन्स वायलेंट कफिंग ड्यूरिंग सकिंग विथ टीथ ये जो सर्कम्स्ट्रेंसेस है ये सर्कमस्ट्रेंसेस में हमें कंट्यूजन दिखाई दे सकता है ओके नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्यूजन कंट्यूजन इज अ सब क्यूटेनियस इंजुरी इन्वॉल्विंग द रप्चर ऑफ कैपिलरीज एंड टीयर ऑफ सब क्यूटेनियस टिश्यू रप्चर ऑफ कैपिलरीज एंड टीयर ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यूज द ओवरलाइन इपिथेलियम इज इंटैक्ट इज यूजअली कॉज बाय अ हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट मे बी प्रेजेंट ऑन द एक्सटर्नल सर्फेस ऑफ बॉडी और ऑन द इंटरनल विसरा नोन एज इकीमोसिस उस इकीमोसिस भी कहा जाता है ओके ब्रूइस और कंट्यूजन को इकीमोसिस भी कह सकते हैं इन अ लिविंग इट इज अ टेंडर डिसकलर्ड स्वेलिंग मतलब अगर वो लिविंग है तो वो पर्सन लिविंग है उसमें कलर कैसा होगा टेंडर और डिसकलर्ड होगा वहाँ पर और थोड़ी सी स्वेलिंग होगी ऑफकोर्स स्वेलिंग नॉन लिविंग में तो होगी नहीं मे बी एसोसिएटेड विथ एब्रेशन नोन एज कंट्यूज एब्रेशन और एब्रेडेड कंट्यूजन और विथ लेसिशन नोन एज सी एल डब्ल्यू दैट इज कंट्यूज लेसिरेटेड वुंड मतलब ऐसा नहीं होता कि आ, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि कंट्यूजन के साथ लेसरेशन भी रह सकता है कंट्यूजन के साथ एब्रेशन भी रह सकता है ओके okay. सो so, इस केस में उसकी टर्मिनोलॉजी यहाँ पे दी है injury is usually round in shape though at times it may be of the shape of object it is called as pattern bruise matlab jo matlab in case of abrasion the site of uh, contact is the site of injury is the site of contact in case of abrasion par bruise ke case mein kya hota hai ki usually round मतलब उसका जो यहाँ पे first slide जो हमने देखी usually जो bruise का जो uh, shape रहता है वो round रहता है ओके okay, पर कभी कभी वो जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट के शेप uh, का भी हो सकता है अगर ऑब्जेक्ट का शेप स्क्वेयर हो तो वो स्क्वेयर भी हो सकता है कभी कभी इस केस में हम उसे पैटर्न एवर्शन कहेंगे साइज ऑफ इंजुरी में वैरी फ्रॉम पिन पॉइंट हिमोरेज़स टू लार्ज हिमाटोम लाइक एक्स्ट्रा ड्यूरल और सब ड्यूरल हिमाटोमा ओके अगर इंजुरी uh, हिमोरेज मतलब अंदर हुए बॉडी के अंदर हिमोरेज हुआ तो उसको हिमोटोमा भी कह सकते मतलब ब्रेन में वगैरह ओके साइज ऑफ इंजुरी इज ऑलवेज मोर देन द इम्पैक्टिंग सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यू टू कंटिन्यूइंग उजिंग साइट ऑफ ब्रूइस मे बी द साइट ऑफ इम्पैक्ट और अवे फ्रॉम द साइट ड्यू टू ग्रेविटी शिफ्टिंग ऑफ ब्लड इट इज़ नोन एज एक्टोपिक ब्रूइस मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि जो इंजुरी होती है वो फोरहेड पे होती है और उसका जो ब्लड होता है ग्रेविटी के वजह से वो आई के अराउंड आई बॉल के अराउंड जमा हो जाता है इस केस में हम उसे एक्टोपिक ब्रूइस बोलेंगे ओके मतलब इंजुरी कहाँ हुई फोरहेड पे और हमें कंफ्यूजन कहाँ पे दिख रहा है आई बॉल के अराउंड तो इस केस में उसको एक्टोपिक ब्रूइस ऐसा बोलेगी ओके नेक्स्ट कंफ्यूजन में नॉट बी सीन इन डार्क इंडिविजुअल ऑफकोर्स अगर उसका कलर डार्क है और कंफ्यूजन का कलर भी कैसे ब्लूइश ब्लैक रहता है तो वो कलर एक्चुअली डार्क इंडिविजुअल में हमें इतना अच्छे से नहीं दिखेगा अ डीप कंफ्यूजन में नॉट बी विजिबल एक्सटर्नली डीप कंफ्यूजन अगर इंटरनल विसरा में हो रहा है तो नहीं दिखेगा ऑफकोर्स बाहर से देन डीप कंफ्यूजन में बिकम विजिबल एक्सटर्नली आफ्टर वन टू थ्री डेज एट टाइम्स नो नैस कम आउट ब्रुइज और डिलेड ब्रूजिंग मतलब कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि एक से तीन दिनों बाद दिन हमें ब्रुइजिंग बाहर से दिखेगा इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वॉट इट इज कॉल्ड एज इट इज कॉल्ड एज डिलेड ब्रूजिंग और कम आउट ब्रुइ और डीप कंट्यूजन में बिकम विजिबल एक्सटर्नली ओनली आफ्टर डेथ इट इज़ कॉल्ड एज स्पिल्स ब्यूरी फेनोमिना ये वाइबा में पूछा जा सकता है स्पिल्स ब्यूरी वॉट इज स्पिल्स ब्यूरी फेनोमिना ओके डेथ के बाद हमें कंट्यूजन अगर बाहर से दिख रहा है तो उसे स्पिल्स ब्यूरी फेनामिना बोलेगी अ कंट्यूजन हील्स इन वन टू टू वीक्स सेम वर्स फॉर एब्रेशन ऑल्सो हीलिंग टाइम देन हीलिंग इज विदाउट अपेरेंट स्कैरिंग दो एट टाइम्स देयर में भी इंटरनल स्कैरिंग स्कैर फॉर्मेशन एक्चुअली एब्रेशन में भी नहीं होता है और कंट्यूशन में भी नहीं होता है देयर मे भी इंटरनल स्कैरिंग कभी कभी इंटरनल स्कैरिंग दिखाई दे सकते हैं टाइप्स ऑफ कंट्यूजन ओनली थ्री टाइप सुपरफिशियल डीप एंड पैटर्न ओके फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग अ कंट्यूजन सो देयर आर मेनली वी विल सी हियर नाइन फैक्टर्स ओके सो फर्स्ट एज एज में क्या है जो एक्सट्रीम्स ऑफ एज मतलब चिल्ड्रन एंड ओल्डर पीपल आर मोर अफेक्टेड बाय ब्रूइस दैन सेक्स सो इन मेल्स द ब्रुइजिंग इज नॉट सो मच विजिबल बट ब्रुइजिंग फीमेल्स में बहुत अच्छी से दिख सकती है क्योंकि फीमेल्स में फैट ज़्यादा होता है और मसल मास कम होता है कॉम्प्लेक्शन कंट्यूजन कैन बेटर इन फेयर पैथोलॉजिकल कंडीशन कंट्यूजन्स आर मोर एंड बेटर इन वन सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन रिकेट्स एथिरसिस हाइपरटेंशन हिमोफीलिया ल्यूकेमिया एंड परफ्यूरा सो so, अगर पर्सन ये सब डिसीज से सफर कर रहा है तो उसको कंफ्यूजन मतलब बाहर से कंफ्यूजन बहुत अच्छे से दिखेगा ओके क्रॉनिक अल्कोहलिक्स में ब्रूजिंग बहुत अच्छे से दिखते हैं ब्रूजिंग इज बेटर बिकॉज इन क्रॉनिक अल्कोहलिक्स देर इज लेस मसल मास एंड देर इज क्यूटेनियस वैसोरालिटेशन अमाउंट ऑफ फोर्स डायरेक्टली प्रपोर्शनल मतलब ये तो मुझे भी नहीं पता कि क्रॉनिक अल्कोहलिक्स में जो मसल मास होता है वो कम कैसे होता है वो तो मुझे भी नहीं पता पर पता होगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना और अमाउंट ऑफ फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जितना ज़्यादा फोर्स उतना बड़ा कंट्यूजन टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट रूइजिंग इज बेटर विथ हार्ड ऑब्जेक्ट एंड मे नॉट अपियर विथ सॉफ्ट ऑब्जेक्ट लाइक क्लोथ एंड सैंड बैग ऑफकोर्स अगर ऐसे क्लोथ लेके अगर किसी को ऐसे मारा जाए तो इतना जोर से नहीं लगेगा ना इसके वजह से वो कंफ्यूजन नहीं दिखेगा ओके क्लोथ एंड सैंड बैग इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू ग्रेविटी द डिसकलरेशन में अपियर अवे फ्रॉम द साइट ऑफ इम्पैक्ट एग्जाम्पल ब्लैक आई मे बी सीन इन इंजुरी टू फोर हेड मतलब ये मैंने पहले भी एक्टोपिक ग्रूस में आ, बता चुकी हूँ वैस्कुलैरिटी ऑफ द पार्ट इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैसकुलैरिटी ऑफ पार्ट एज ऑफ कंफ्यूजन देखेंगे इट इज इंपॉर्टेंट एज ऑफ कंट्यूजन इज डिटरमाइंड फ्रॉम कलर चेंजेस इन द कंट्यूजन एज अ पार्ट ऑफ हीलिंग ड्यू टू हीमोलाइसिस ऑफ आरबीसी एंड चेंजेस इन हीमोग्लोबिन चेंजेस स्टार्ट एट पेरीफ्री इनिशियली रेड ड्यू टू ऑक्जी हीमोग्लोबिन मतलब देखो कंट्यूजन में क्या होता है कि आरबीसी का हीमोलाइसिस होता है मतलब हीमोलाइसिस मतलब आरबीसी का ब्रेक डाउन और हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें चेंजेस आते हैं कुछ ओके सो चेंजेस पहले पेरीफेरी से आते हैं इनिशियली जो एरिया रेड कलर का दिखेगा एक से दो दिन बाद ब्लू कलर का दिखेगा दो से तीन दिन बाद ब्लूइश ब्लैक दिखेगा ओके okay? चार से सात मतलब एक हफ्ते बाद ग्रीन कलर का दिखेगा और सात से दस दिन बाद येलो कलर का दिखेगा एंड दो हफ्तों बाद नॉर्मल स्किन हो जाएगी ओके सो द हीलिंग टाइम टेकन इज़ वन टू टू वीक्स अप्रॉक्सिमेटली सबकैबल हिमोरेजिस आर इनिशियली रेड देन येलो फाइनली डिस कितना इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ ब्रैकेट में का सो so, uh, सबसे पहले जो कलर रहेगा ओके okay, कलर कैसे है रेड उसके बाद ब्लू देन ब्लूश ब्लैक देन ग्रीन एंड देन येलो देन नॉर्मल स्किन मेडिकोलीगल एस्पेक्ट्स ऑफ कंट्यूजन ओके बस ये दो स्लाइड कंफ्यूजन्स आर यूजअली एक्सीडेंटल समटाइम्स होमिसिडल एंड रेयरली सुसाइडल लार्ज और मल्टीपल कंट्यूजन्स में लीड टू डेथ ड्यू टू शॉक और एक्सटेंसिव हिमोरिज सो एक्सीडेंटल रहते हैं कंट्यूजन कॉमनली बहुत रेयरली सुसाइडल कोई खुद से तो नहीं मारेगा ना खुद को इतना जोर से क्योंकि पेन होता है उसकी वजह से जनरली जो होता है ना सुसाइडल तो सुसाइडल कैसे होता है कि पेनलेस डेथ होनी चाहिए ज़्यादा पेन नहीं होना चाहिए ऐसे करते सुसाइड में ओके अ लार्ज और मल्टीपल कंट्यूजन्स में लीड टू डेथ ड्यू टू शॉक और एक्सटेंसिव हिमोरेजेस इवन अ माइनर कंट्यूजन ऑन ब्रेन पॉन्स वैसोमोटर सेंटर एंड हार्ट में प्रूव फैटल ऑफकोर्स जो इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं जैसे कि ब्रेन वैसोमोटर सेंटर पॉन्स तो अगर यहाँ पर कंफ्यूजन हुआ तो बहुत भारी पड़ेगा क्योंकि दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेगुलेशन करते पूरे बॉडी का सो इट इज़ बैटर कंट्यूजन ऑफ अ पार्ट में लैटर रिजल्ट इन गैंग्रीन ओके ये बात थोड़ी सी नहीं है कंट्यूजन में रिजल्ट इन गैंग्रीन फ्रॉम अ कंट्यूजन वी कैन नो नेचर ऑफ इंजुरी नेचर ऑफ वेपन और ऑब्जेक्ट एज ऑफ इंजुरी वेदर एंटीमार्टम और पोस्टमार्टम वेदर सुसाइडल होमिसिडल और एक्सीडेंटल समटाइम्स चांस ऑफ इंटरनल इंजुरी समटाइम्स पर्पज ऑफ इंजुरी देखो नेचर ऑफ़ वेपन नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट पता नेचर ऑफ इंजुरी भी पता लग सकती है और डिफरेंस भी होता है एंटीमार्टम पोस्टमार्टम ब्रूस में ओके नेक्स्ट मेडिकोलीगली एब्रेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन कंट्यूजन बिकॉज कंट्यूजन में नॉट बी सीन इन डार्क इंडिविजुअल्स मे नॉट बी सीन एक्सटर्नली मे अपीयर आफ्टर वन टू थ्री डेज मे अपीयर ओनली आफ्टर डेथ Is usually round, is usually larger than impacting surface, may be present away from the site of impact, and direction of injury cannot be known.